हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल आदि में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमें माइक है यूट्यूबर्स के लिए, छोटे यूट्यूबर्स के लिए कौन सी माइक लेनी चाहिए। जो हमने देखिए यहाँ पे हमने एक माइक ऑर्डर किया था, पेटीएम मॉल से ऑर्डर किया था दोस्तों। ये हमें पेटीएम मॉल से 95 रुपीज़ में पड़ी है दोस्तों। ये बहुत ही चीपेस्ट माइक है और इसी की हम लोग इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और इसके बारे में बात करने वाले हैं कि माइक आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कैसी है। तो वीडियो में आप बने रहिएगा, स्पीक मत कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी समझ में आ जाएगी कि आपको माइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो आइए वीडियो कर। क्वालिटी पता चल रहा होगा इसकी आवाज़ क्या है, कैसे इसकी क्वालिटी है वॉल्यूम की। दोस्तों अगर आप कोई बढ़िया क्वालिटी का माइक लेना चाहते हैं जो टिकाऊ भी हो और क्वालिटी भी हो, चीपेस्ट भी हो, दोस्तों मैं आपको बोया का M1 माइक लेने को सजेस्ट करूँगा जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उसका भी आप लोगों को वीडियो बना के दे दूँगा। दोस्तों ये जो माइक है दोस्तों इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। ऐसा माइक आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आप खोज सकते हैं ऑनलाइन जाके, ऑफलाइन कहीं। दोस्तों मैं कुछ दिन से वीडियो अपलोड करना मैंने छोड़ दिया था, मैं एकदम से वीडियो नहीं बना रहा था। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ इस पर, अब यूट्यूब पे मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए वैसे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। हाँ तो दोस्तों आप लोग ने देख लिया, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में।